हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बोस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे इसरो असिस्टेंट यूडीसी कंप्यूटर स्किल टेस्ट को। और इस पार्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा लेक्चर नंबर 2 एमएस वर्ड के अंदर। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 ले चुका हूँ। और अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है किस तरह से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है इसरो असिस्टेंट यूडीसी के लिए, तो वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाए किस तरह से क्या कुछ फॉलो करना है। वो वीडियो में मैंने इन डिटेल में सारा चीज़ समझाया, उसी तरह से आप लोगों को सारा चीज़ फॉलो करना है। तो उस वीडियो को पहले देख लेना, उसके बाद आप लोगों को लेक्चर 1 देखना है, देन लेक्चर 2 देखना है, ठीक है, और सो ऑन। और आगे भी इसी तरह का वीडियो आप लोगों को आते रहेगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो आगे भी देखने को मिल जाएगा। तो चलो आज का लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कट कॉपी पेस्ट अंडो रेडो फॉर्मेट पेंटर क्लिप बोर्ड, इन डिटेल में मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये वाला टैब पहले से आता है तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं कुछ नॉर्मल सा पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है। ये हम मैंने दिखाने के लिए आप लोगों को टाइप करा था। तो यहाँ पर मैं रैंडम सा एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 पैराग्राफ 3 सेंटेंस ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे की ओर ले लेता हूँ। पहले तो मैं इसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूं ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊं, ठीक है। तो देखो पहले तो सिलेक्ट कैसे करते हैं, आप लोगों को माउस से राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट आप लोगों को माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा राइट की ओर ड्रैग करना है। देन देखो यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट आप लोग को सारा चीज़ देखने को मिलता है। आप लोग शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो, मैं शॉर्टकट की भी आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो कट का यूज़ क्यों होता है पहले मैं ये बता दूँ आप लोगों को। तो कट का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं, मान लो कि ये जो टेक्स्ट है यहाँ से तो रिमूव हो जाए लेकिन सेम टेक्स्ट को हम लोग किसी दूसरे लोकेशन में पेस्ट कर पाए, तो इसके लिए हम लोग कट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर कंट्रोल एक्स भी आप लोग कर सकते हो शॉर्टकट की का यूज़, या फिर यहाँ पर क्लिक करोगे देखो यहाँ से तो रिमूव हो चुका है लेकिन उसी टेक्स्ट को हम लोग कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की जो यूज़ होता है कंट्रोल भी होता है, या फिर आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर करूँगा देखो आ चुका है, या फिर आप लोग कंट्रोल वी भी करोगे तो भी आ जाएगा। कंट्रोल वी मैंने करा तो यहाँ पर आ चुका है। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कट का ऑप्शन को। कट का ऑप्शन मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। मान लो कि कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, ये यहाँ से तो रिमूव होगा लेकिन दूसरे लोकेशन में मैं कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम लोग कट का यूज़ करते हैं। अब हम लोग कॉपी का सीखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्ट करा लेफ्ट क्लिक करके, उसके बाद इसको क्या करूँगा मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के लिए आप लोग कंट्रोल सी का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर माउस से यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। देखो ये कॉपी का मतलब क्या होता है, यहाँ से रिमूव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग अनदर किसी भी लोकेशन में उसको पेस्ट कर सकते हो। आप लोग कंट्रोल वी करोगे तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, आप लोग पेस्ट यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा पेस्ट का ऑप्शन का यूज़। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कट कॉपी हो चुका है, अब पेस्ट। पेस्ट के अंदर देखो आप लोगों को 3 ऑप्शन मेनली देखने को मिलता है लेकिन आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं बुलेट पॉइंट लेता हूँ ताकि आप लोग को मैं ज़्यादा अच्छा से समझा पाऊँ। देखो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ये वाला मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा था, ठीक है। तो ये देखो आ चुका है पेस्ट, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद देखो पेस्ट के अंदर यहाँ पर आप एक डाउन एरो देख सकते हो, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 3 ऑप्शन का यूज़ देखने को मिलेगा, लेकिन ये आप लोग एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जिस तरह के आप लोग यहाँ से मैंने कॉपी करा था उसी तरह का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं दूसरा दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है मर्ज फॉर्मेटिंग, आप लोगों को कुछ इस तरह से मर्ज फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगा। मैं दोबारा कर लेता हूँ एक बार, इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने इंटर प्रेस करा, उसके बाद देखो तीसरा जो ऑप्शन है उसके बाद कीप टेक्स्ट ओनली, आप लोगों को टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये 3 ऑप्शन आप लोगों को पेस्ट के अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन आप लोगों का पेस्ट का जो 3 ऑप्शन है अंदर में वो आप लोगों का इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग समझेंगे अंडो रेडो का ऑप्शन को समझेंगे, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट करा डिलीट कर लिया, ठीक है। मान लो मैंने इसको क्या करा बोल्ड कर लिया, ठीक है, बोल्ड कर लिया, थोड़ा सा टेक्स्ट को बढ़ा दिया, उसके बाद इसको मैं कलर भी दे देता हूँ रेड कलर, चलो ठीक है। अब देखो हम लोग अंडों का जो यूज़ होता है वो क्यों करते हैं, तो पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ अंडों का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड होता है, ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। मैंने जैसे क्लिक करा
अंडों का यूज़ क्या होता है, मतलब पीछे जाने के लिए होता है, ठीक है, पीछे। अभी मैंने जैसे कि आप लोगों को दिखाया, ये देखो मैंने रेड कलर दिया था, इसके पीछे जाना है, जस्ट पीछे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अंडों का, ठीक है। और रेडो का यूज़ क्या करते हैं, वापस उसी को लाना, उसी फॉर्मेटिंग को लाना, उसको हम लोग रेडो बोलते हैं। तो देखो ये वापस आ चुका है, ये देखो पीछे की और गया, देन ये वापस आ चुका है जो भी मैंने किया था, ठीक है। तो अंडो रेडो का यूज इसीलिए हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर, तो इसको मैं इसी तरह से रहने देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कलर को कर लेता ब्लू कलर कर लेता हूँ, ठीक है, यह अच्छा दिख रहा है। और इसको मैं बोल्ड कर लूँगा और इसको मैं इटैलिक कर लेता हूँ, चलो, ठीक है। उसके बाद देखो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्यों करते हैं, इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं मान लो कि ये वाला कलर दे दिया, ब्राउन टाइप का कुछ है। उसके बाद मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ और चलो इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट करके क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटर में वन क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, सॉरी लेफ्ट क्लिक करूँगा, ठीक है। ये मैंने लेफ्ट क्लिक करा, उसके बाद देखो दोबारा करता हूँ, इसको आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, फॉर्मेट पेंटर में, फॉर्मेट पेंटर में गया, देन इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद जैसे कोई भी टेक्स्ट को यहाँ पर मतलब सेम इसी तरह से लाना है, तो आप लोग यहाँ से क्या करोगे, इसको जस्ट ड्रैग कर दो टेक्स्ट के ऊपर, तो ये देखो आ चुका है, इसी तरह का फॉर्मेट में ये बन चुका है। लेकिन ये देखो सिंगल टाइम के लिए यूज़ होता है, अगर आप लोग एक बार क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइम के लिए यूज़ कर पाओगे। अगर इसी के अंदर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये इसको हम लोग मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ये सेलेक्ट करा मैंने, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके मैंने क्या करा, डबल क्लिक कर दिया, ठीक है, डबल क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर पाएंगे। मान लो कि टू मेक योर को हम लोग को इसी तरह से करना है, जैसे कि वीडियो वीडियो प्रोवाइड का फॉर्मेट है, तो देखो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यू वांट फ्रॉम, इसको भी हम लोग इसी तरह से ला सकते हैं, इसको भी हम लोग उसी तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग का टाइम सेव हो पाए, बार बार हम लोग को दोबारा से फॉर्मेट बार बार हम लोग को फॉर्मेट करना ना पड़े, बॉर्डर अंडरलाइन, ठीक है, बोल्ड अंडरलाइन ये दोबारा ना करना पड़े। अब हम लोग सीखेंगे क्लिप बोर्ड का यूज़। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, जैसे कि एरो में देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर क्लियर ऑल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो वीडियो प्रोवाइड जो है, इसको क्या करूँगा, मैंने सेलेक्ट करा, इसके बाद कॉपी कर लूँगा। जैसे ही मैं कॉपी करूँगा ना, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वीडियो प्रोवाइड। उसके बाद मान लो कि मेरे को हेल्प हेल्प यू प्रूव, इसको भी कॉपी कर लूँगा, तो ये भी आ जाएगा। उसी तरह से मैं यू वांट को भी क्या करता हूँ, यहाँ से यू वांट को क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। कॉपी के लिए आप लोग कंट्रोल सी भी कर सकते हो। तो ये तीन वर्ड आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग क्लिप बोर्ड के अंदर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आप लोग बहुत सारे को क्लिप बोर्ड में रख सकते हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका यूज़ क्या होता है, अब देखो आप लोग जहाँ भी कर्सर रखोगे और इसको क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इंटर करा तो ये आ चुका है। उसके बाद मैंने इसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरह से आप लोग क्लिप बोर्ड का यूज कर सकते हो, बार बार आप लोग को टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ता है क्लिप बोर्ड में, अगर आप लोग रख लेते हो, ठीक है। तो ये रहा क्लिप बोर्ड का यूज़। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, होम के अंदर कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर क्लिप बोर्ड अंडो रेडो, और यहाँ पर मैं कुछ शॉर्टकट की भी दिखा देता हूँ, जो भी मैंने अभी बताया, अंडो का कंट्रोल जेड, रेडो का कंट्रोल वाई, कट का कंट्रोल एक्स, कॉपी का कंट्रोल सी, पेस्ट का कंट्रोल वी, और सेलेक्ट ऑल के लिए मान लो कि मेरे को ये सारा कंटेंट को सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए क्या करूँगा, कंट्रोल ए, ठीक है, तो ये कंट्रोल ए हो जाता है। तो कंट्रोल ए हम लोग सेलेक्ट सभी जो कंटेंट है उसको हम लोग सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं। होप आप लोगों को इन डिटेल में सारा समझ में आया होगा, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर क्लिप बोर्ड। अगर आप लोग को पहले से आता था तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। अगर जिसको नहीं आता था उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।